السلام عليكم، ويلكم تو ايرث اوف نوليدج. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आल उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमने कुछ स्टार्ट किया था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी हमारी तकरीबन 12 से 14 हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो है हमारा बेसिक मैथ भी साथ साथ चल रहा है और PPSC के पेपर्स भी हम साथ साथ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है जनरल नॉलेज भी जो है वो भी हम कर रहे हैं साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी क्या करें, कमेंट भी क्या करें। और अगर आप वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक मैथ या किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज भी जो है हम एक PPSC का पेपर नंबर 14, मतलब आज जो है हम 14 पेपर करेंगे PPSC का। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये भी एक सब इंस्पेक्टर का पेपर है जो कि BS 14 का है, 2016 में हुआ था। तो फर्स्ट MCQ है, अल्लामा इकबाल गॉट हिज PhD डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ हिज PhD थीसिस? उनका जो थीसिस था उनका टॉपिक क्या था? द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। नंदोज इज अ पॉपुलर इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन, विच कंट्री डिड इट ओरिजिनेट इन? मतलब ये नंदू जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट है? साउथ अफ्रीका से। व्हाट इज इकेबाना? ये एक जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट को कहा जाता है। द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ न्यूजीलैंड हुज वार डांस इज स्टिल यूज बाय द न्यूजीलैंड रग्बी टीम वर माउरीज, उसे कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिटिकल पार्टीज डिड नॉट बायकॉट द सीमन कमीशन? कौन सी पोलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने बायकॉट नहीं किया था सीमन कमीशन को? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक 1984? 1984 एक बुक है जो कि बहुत फेमस है, उसका जो ऑथर है वो जॉर्ज ऑरवेल है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोकस? कोकस का मतलब क्या है? अ क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग, एक पॉलिटिकल मीटिंग को कहा जाता है। द कैपिटल ऑफ द उमय्यद डायनेस्टी वाज दमश्क। दमश्क जो है इसका ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ। कैपिटल जो है उमय्यद डायनेस्टी का दमश्क है। ह्यूमन बोन्स डू नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्बन जो है ह्यूमन बॉडी के में जो बोन्स पाई जाती हैं उसमें अवेलेबल नहीं होता। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड टू प्रोब इनटू द 1970 क्राइसिस इन द ईस्ट पाकिस्तान? हमूदर रहमान कमीशन जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैव वन द मैच। द हिस्टोरिक सिटी ऑफ कैरोन इन टूनिसिया वाज फाउंडेड इन 670 AD बाय उकबा बिन नाफे, ने जो है उसे एस्टेब्लिश किया था। The compound used in anti-malaria drugs, जो compound है वो कौन सा यूज होता है anti-malaria drugs में? क्लोरोक्विन। Next हमारा 14 है, MCQs number 14. Which of the following is associated with Excel program? Spreadsheet जो है Excel program में बनाई जाती हैं। EBDO was promulgated by Ayub Khan in 1959. What does EBDO stand for? इलेक्टोरल बॉडीज डिसोल्यूशन ऑर्डर जो है इसका एब्रीवेशन है। अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो? पावर पॉइंट शो में क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड की जा सकती हैं? गिफ्ट भी ऐड किया जा सकता है, JPG मतलब उसमें इमेज भी ऐड किया जा सकता है, वेव म्यूजिक भी ऐड किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन का जो हम टॉपिक कर चुके हैं, मीन एवरेज को कहा जाता है। तो आप मेरी बेसिक मैथ की वीडियोस में चेक कर सकते हैं। एयरबस इज एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट्स हेडक्वार्टर इज इन फ्रांस। एयरबस जो है उसका एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। मिस्टर मसूद खान इज करंटली प्रेजिडेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट वाज द लास्ट असाइनमेंट बिफोर बिकमिंग द प्रेजिडेंट? जब वो प्रेजिडेंट बना था उससे पहले वो क्या असाइनमेंट जो है वो
कर रहा था डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज इस्लामाबाद में। रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ची गुवारा मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशनरी क्लोजली एसोसिएटेड विद फाइडल कैस्ट्रो वाज फ्रॉम अर्जेंटीना। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट टेक प्लेस फास्टर इन रेड लाइट। फोटोसिंथेसिस जो है वो रेड लाइट में बहुत ज्यादा होता है। इन विच ईयर वर द सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस 2015। पर्ल हार्बर अ यूएस नेवल बेस वाज बॉम्ब बाय द जापान थस प्रोवोकिंग फॉर्मल एंट्री ऑफ द यूएस इन द सेकेंड वॉर। The autobiography in the line of the fire was written by जो in the line of fire है वो किसने लिखी थी? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज 86 ईयर ओल्ड व्हेन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज बोर्न। जब हजरत इस्माइल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बर्थ हुई थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 86 एज थी। अहमद शाह मसूद ऑफ अफगानिस्तान वाज अ ताजिक रेस्प्यूटेड इन अ नोटोरियस कैरेक्टर ऑफ हिस्ट्री टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग। रशिया से वो बिलोंग करता था। नेम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए हु विजिटेड पाकिस्तान। डवाइट आइजनहावर है जो यूएसए का प्रेजिडेंट था वो पाकिस्तान वो आया था फर्स्ट टाइम। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिमेन द खलीफा फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। ए हैज अ ब्रदर बी ए इज सन ऑफ सी डी is a is son of c d is father of c what relation b of t grandson jo hai uska relation hai। name the angel who was designated to deliver messages to prophet muhammad peace be upon him from allah hazrat jibril alaihi salam। if the cost price of an article is 25% of its selling price then what is the profit in percentage। cost price hamari 25 hai to selling price kitni hogi 100% matlab 100 hogi तो जो प्रॉफिट होगा वो 75 होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 300% जो है प्रॉफिट आ जाएगा। अलोंग साइड कैसे आएगा? ये आप 75 को ऊपर रखेंगे 25 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 300%। अलोंग साइड अ वॉल ऑफ 225 मीटर लॉन्ग 26 ट्रीज आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस वन ट्री बीइंग एट ईच एंड ऑफ द वॉल वट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रीज। 225 है तो 26 के डिस्टेंस से है तो 8.6 आएगा। तो 8.6 जो है राउंड होगा तो 9 मीटर के इक्वल आ जाएगा। विच लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टर्म द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 एज जिनाज फंटास्टिक प्रपोजल। जवाहर नाहल की जो नेहरू ने जो किया था प्रपोजल उसे कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव एन एमपीजी एक्सटेंशन। एमपीजी एक्सटेंशन वीडियो में होती है। स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। इसका पैसिवाइज क्या होगा? ओवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। वी हैड कंप्लीटेड ओवर टास्क बिफोर सनसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर में पाई जाती है। जनरल कमर जावेद बाजवा। जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिलोंग टू द बलोच रेजिमेंट। How many goals have been identified in the Sustainable Development Goal 17? A large possession was taken out against rising prices. मतलब एक large possession जो है वो किया गया था किसके against? Prices के बढ़ने के against. Complete the number series 3, 2, 7, 6, 11. तो यहाँ पर 10 आएगा। सेकेंड नंबर इज लेस बाय वन देन फर्स्ट नंबर देन द फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर इज मोर बाय फाइव देन द। ये एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है वो आप चेक कर सकते हैं। वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। कंप्लीट द आइडियम बेस्ट थिंग कम इन स्मॉल पैकेजेस। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड? एल्टीमीटर। एल्टीट्यूड से याद रखना है एल्टीमीटर कहा जाता है। हु एट प्रेजेंट होल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव इन द अफगान गवर्नमेंट? अब्दुल्ला अब्दुल्ला उसका नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ कायद आजम फर्स्ट वाइफ? एमी बाई जिना जो है उसका नाम था। दुशंबे इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। साइनोनियम ऑफ रॉकी इज अ न्यू रिक्रूट। जो न्यू बंदा जो हायर किया जाता है उसे
रॉकी कहा जाता है। विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एम एस वर्ड, विन वर्ड डॉट ई एक्स सी जो है आप प्रेस करेंगे तो एम एस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। चूज द करंट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, ही वॉज प्रोमोटेड प्रोमोटेड यहाँ पे आएगा प्रोमोटेड, ही वॉज प्रोमोटेड एज डी एस पी। लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेनिटी एज अ स्लोगन वॉज द हेल मार्क ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। द फर्स्ट ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक ऑपरेशन समिट जो है वो कांग्रेस हेल्ड की गई थी रबत में। फर्स्ट स्टेट्स ऑफ ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मैंने ये इस पर बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो। स्टेट्स ऑफ दी चित्राल एंड सुबाद वर इनकॉर्पोरेटेड इन एन डब्ल्यू एफ पी 1969। वट इज द मिक्सचर ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट चारकोल एंड सल्फर कार्ड, गन पाउडर को कहा जाता है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय शुहाल, लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, फिश का जो ग्रो होता है उसको स्कूल कहा जाता है। वट इज मीन बाय कॉटेज, जो कॉटेज है इसका मतलब क्या है, अ फ्यूनरल प्रोसेशन को कहा जाता है। कंप्लीट द आइडियम, क्रॉस योर ब्रिजेस व्हेन यू कम टू दैम। सिंप्लीफाई आप क्या करेंगे, पहले 470 डिवाइड बाय 20 करेंगे, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं 20 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 18,800 से, और 470 को डिवाइड करेंगे आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। फैसलाबाद इज एज फेमस सिटी एज लाहौर, करेक्ट सेंटेंस ये है। इन 2006 द यूएन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू रिप्लेस द यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स विद द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ईबीडीओ इलेक्टेड बॉडीज डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर by Ayub Khan in 1959 mainly affected politicians from East Pakistan. Which of the following shortcut is used to make text italic? Control plus I जो है प्रेस करेंगे तो आपका इटैलिक हो जाएगा। Who is currently the supreme commander of armed forces of Pakistan? General Qamar Bajwa, Javed Bajwa जो है 2020 में है। Synonym of incessant is continued. Which one of the following is the founder of Apple computer? Steve Jobs जो है Apple computer का founder है। Which of the following this is affects the skin? Plagra जो है वो skin को affect करती है। The theorem in a right angle triangle the area, ये एक Pythagoras का जो है एक theorem का है, तो वो पूछ रहा है कि area as the square of the other two sides were discovered by Pythagoras. साइनोनियम ऑफ फिक्टिशियस इज, फिक्टिशियस जो है उसका साइनोनियम क्या है, मतलब उसका सेम वर्ड क्या है, फॉल्स। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ हांगकांग बिफोर इट वाज हैंडेड ओवर टू द चाइनीज बाय द ब्रिटिश, चेरिस पैटन। व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया, व्लादिमीर पुतिन उसका नाम था। विच इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, ए ऑप्शन आएगा। हु इज करंटली द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, शाह महमूद कुरैशी 2020 में है। हु अमंग द फॉलोइंग कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ सेरिंगापातम विद टीपू सुल्तान, लॉर्ड कॉर्नवालिस। द टेरिटोरियल क्लेम ओवर द आईलैंड ऑफ अबू मूसा इज डिस्प्यूटेड बिटवीन ईरान एंड यूएई। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी काइंडली। शाहजहां द मुगल एम्परर वाज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन बाय औरंगजेब, जो सन था उसने जो है, शाहजहां द मुगल एम्परर था जिसको उसने रिमूव किया था। विच आर्किपेलागो इन द इंडियन ओशन इज आल्सो अ मेंबर ऑफ सार्क, मालदीव। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज बरीड एट, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो कहाँ पर दफन है, बगदाद में। Complete the idiom. Too many cooks spoil the broth. In a computer, what does DPI mean? Dots per inch को कहा जाता है DPI. Complete the number series 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. पहले दो का, फिर तीन का, फिर चार का और फिर पांच का, 18 आ जाएगा। A library received an average of 5-10 visitors. Sunday को आपके पास जो है Sunday 5 आ गए, अदर डेज आपके पास 25 आ गए, तो आप क्या करेंगे, 5-10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ जो एवरेज विजिटर्स हैं, प्लस 240 जो है दूसरे डेज में आते थे, तो 25 डेज टोटल हो गए,
तो आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डेज हमारे पास 30 हैं, तो आप क्या करेंगे, एवरेज आ जाएगी 285 की। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द सेनेट, रजा रब्बानी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स इज लोकेटेड इन नदरलैंड दी हेग्यू। हु वाज द फर्स्ट अमंग मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु मैन के लिहाज से हैं, और हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अनु वुमेन के लिहाज से हैं। वट इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, जोल। अब कुछ पेपर आएंगे जिसमें उर्दू के एमसीक्यूज भी शामिल हैं, तो यहाँ पे भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, उर्दू के 10 एमसीक्यूज हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हरफ आना का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। शिकवा जवाब शिकवा जो है वो किस में मजमूए में शामिल है, अलामा इकबाल के बांगे दरा में। नेक्स्ट उर्दू का एमसीक्यूज है पाँव तले ज़मीन निकलना, घबरा जाना को कहते हैं। लफज उर्दू का लोहवी मानी जो है वो लश्कर है। फारसी में लिखी गई मशहूर किताब तर्क बाबरी का ताल्लुक अदब की किस सिंह से है, आप बीती से। मुदज्जर शेष किसका है, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, सो बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, अलामा इकबाल का ये शेर है। आंखें फेर लेना का क्या मतलब है, बेमुरवत हो जाना। हमदर्द नामी अखबार किसने जारी किया, मौलाना जौहर ने, मौलाना अली मौलाना जौहर ने। कौन सा मुगल बादशाह उर्दू का नाम व शायर था, बहादुर शाह जफर। मुगल दौर में किस जुबान को दरबारी जुबान का ना दर्जा हासिल था, फारसी जुबान। तो ये आज हमारा 14वां पेपर था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, या फिर बेसिक मैथ की वीडियो में, या फिर कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़, थैंक यू।